दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं इससे टेलीकॉम आपका चैनल और ये है हमारा 28 दिसंबर का बैच। हमारे साथ में हमारे सारे सब लोग मुझे हाथ खड़े करके बताओ कि सबसे पहले जब आप आए थे आपको रिवॉल्विंग आती थी क्या? किस किस को रिवॉल्विंग आती थी? सबके हाथ खड़े होने चाहिए जिसको उसको नहीं आती है। आप बताइए कौन कौन यहाँ पर रिवॉल्विंग कर लेगा? अगर मैं पावर की हाथ खड़े रखे, पावर की बात करूं, ईएमएमसी की बात करूं, सीपीयू की बात करूं, सीपीयू भी रिवॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक है, अब आप नीचे कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे सबसे पहले कि अगर आपको एक लाइव मोबाइल यहां पे दे दे तो आप में से कौन कौन सी पावर आईसी सीपीयू ईएमएमसी निकाल के बाबा चालू कर लेगा? आप लोग सब चालू करेंगे। आपने यहां पर ये सारी चीजें की है कि नहीं की है? एक बार की है या दो बार की है? बहुत बार की है। ठीक है, तो आगे कितनी बार की है? जैसे सपोज 10 बार यहाँ पर बहुत लोगों ने किया है ना? यहाँ पर आपके सेट में भी किए कि हमारे सेट में किए? आपने अपने सेट में किए, 4G सेट में किए कि 3G सेट में किए? 4G सेट में किए। तो ये हमारे यहाँ का आउटपुट वीडियो है, ये हमारे 10 दिन का वीडियो है दोस्तों, और जनरली हम 5 दिन का वीडियो बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का। हम यहाँ पर एक दो दिन के बाद वीडियो बनाया तो हम उनसे पूछे क्या, क्योंकि कुछ पढ़ाए नहीं है तो पूछने का कुछ बनता नहीं है। यहाँ पर हमारी कॉम्पोनेंट की क्लास हो चुकी है, यहाँ पर हमारा आपकी ट्रेसिंग की क्लास हमारी रेगुलर डेली पे चल रही है। हमारा लाइट की बात करें, डिस्प्ले की बात करें और हमारा ऑडियो की बात करें, आईसीओ की बात करें, भाई पावर आईसी पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? पावर आईसी अगर मैं बात करूं कितने प्रकार की होती है? चलो आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनु चौहान है सर। आप कहाँ से? यूपी मुजफ्फरनगर से। आप मुझे बता पावर आईसी कुछ 5 बता दो सिर्फ। 5 PM, PM, PMI, PMI, MT63XX, और MT63XP, MT63XP, हाँ, और SC27, SC27, ये सब पावर आईसी हैं। उसके अलावा से पावर पूछा, इसमें आपने सेकेंडरी भी बताई, मेन भी बताई, क्योंकि मैंने पावर पूछी थी। अगर मैं आपसे पूछूं और भी आपको आईसीयू की डिटेलिंग हो, सब आपको नॉलेज है कि नहीं है? यहाँ पर कैसा रहा आपका अनुभव आना और जाने का, पूरा बताओ यहाँ पर ऐसे टेलीकॉम चुन के, क्या वाकई में सही किया क्या सर? जैसा यहाँ आने से पहले लगता था कि होगा या नहीं होगा, हाँ। इन 10 दिनों में ऐसा लग रहा था कि हम गलत थे, हाँ। बहुत सही किया आगे यहाँ पे सर। आप 10 दिन में आपने कितने घंटे की क्लासेस किए डेली? 12 घंटे डेली क्लास होती है, मतलब 8 बजे से 8 बजे तक, उसके ऊपर भी कोई टाइम नहीं है नीचे भी, क्योंकि हम लोग को भी इतना, आप लोगों को भी है कि 12 घंटे के ऊपर तो क्लास देना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद भी आपको पता, अगर ये कोर्स सिर्फ 10 दिन का होता तो वाकई में सीख पाते क्या? क्योंकि आपको हार्डवेयर सीखना है, आपको सॉफ्टवेयर भी सीखना है जी सर, और आपको प्रोग्रामिंग भी सीखनी है। और अभी तक 10 दिन में केवल क्या चल रहा है? हार्डवेयर। अभी सॉफ्टवेयर किया क्या चालू? अभी सॉफ्टवेयर भी चालू होगा, अभी प्रोग्रामिंग भी चालू होगी। कोई नया स्टूडेंट आए तो वो क्यों आए सर टेलीकॉम? अगर किसी को कुछ करना है, सीखना है, और यही है कि उसे कुछ करना ही है, तो जरूर से जरूर ज्वाइन करें इस टेलीकॉम को, जरूर करके जाएगा। यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाए जो डायरेक्ट काम करना चाहता है, बस मुझे सिखा दो बस, बाकी मेहनत नहीं करना चाहता, तो वो बैठ पाएगा क्या यहाँ पर? सर अपने घर ही रहे, यूट्यूब पे चैनल पे कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, यहाँ के अपना टाइम खराब ना करे, टाइम ना खराब करे। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई, जोरदार ताली बजाइए। आपका नाम क्या है? आप बताओ, इन्होंने बताया पावर आईसी के कुछ नाम, मैं बताता हूँ पावर आईसी जैसे SC27 है, ये किसकी है? ये SPD। SPD में अगर पावर आईसी हटा दो तो CPU फिर कौन कौन सी आएंगे, क्या क्या नंबर का आएंगे? XC6XX, XC7XX, XC8XX, XC9XX। कौन से 4G डेडिकेटेड है? SC8XX, SC9। अगर मैं बात करूँ SC27 जो पावर आईसी है वो नहीं है तो फिर क्या होगा? CPU के अंदर चला जाएगा। तो अभी ये जो इनसे पूछी इन्फॉर्मेशन वो सब बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? सब बता, हाथ खड़े करके बताओ, सब बता सकते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट की बात करो, आपको थर्मिस्टर पहचानना आएगा कि नहीं आएगा? थर्मिस्टर हो गया, किसी प्रकार की कंपोनेंट की जांच के लिए, तो अभी ऐसा तो नहीं है कि हमें ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा? नहीं, नए नए टाइप के डायोड बताएं जी सर। आपने वो कंपोनेंट बताया जो आपने यूट्यूब में आज तक नहीं देखे हैं, आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली है यहाँ पर। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि जो भी आपने चीज यहाँ पे सीखी है, अगर आप यहाँ नहीं आते तो क्या सोचते कि भाई मैं यहाँ आऊं कि नहीं आऊं, मतलब क्या आपके दिमाग में था और अब क्या है आपके दिमाग में? मैं पहले सोच रहा था मिक्सर टेलीकॉम जाऊं कि नहीं जाऊं, हाँ। मेरे पैसे बढ़ा, मैं यहाँ के देखा तो मेरे पैसे बिल्कुल ठीक जगह, पूरा पैसा वसूल है, यहाँ पे बढ़िया नॉलेज है, यहाँ पे सर साहब 500 सर एकदम बढ़िया है, नॉलेज इनके बहुत बढ़िया, बहुत मतलब बहुत हाई लेवल में है, और जो भी आना भी चाहता है वो बिल्कुल बेचकर आ सकता है। मैं आपसे पूछूं यहाँ पर हमारे SMD की कितनी बड़ी क्लासेस है, 50 स्टूडेंट बिठाने की हमारी क्लासेस, स्ट्रेन देखो कितना बड़ा है हमारे पास। इंडिया में सबसे बड़ी अगर क्लास की बात करें तो एसर टेलीकॉम की है लैब। किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है आपको वहाँ पर? किसी प्रकार की कमी नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है कि एक टूल से सबको करवाते हैं, या तो एक ब्रश लेके सब लोग आ जाएंगे ब्रश, या फिर आपने एक ब्लोअर आप यूज कर रहे हो कोई दो जन मिलकर? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आपका नाम क्या है? संजीत। संजीत, थैंक यू वेरी मच, जोरदार ताली बजाइए।
यहाँ पर किन किन के बाद में स्कीमेटिक डायग्राम है, यहाँ पर बोर्नियो के अगर मैं बात करूं तो बोर्नियो के स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पर अभी किन किन के बाद में यूएफआई होने वाला है अभी यहाँ पर देखो यूएफआई रीजन क्या है। यहाँ पे हमारे मिलन सर को बुलाएंगे, सर बताइए सबसे हाथ उठाया यहाँ पर मैं आपको, अब किस किस को यहाँ पे अभी यूएफआई चलाना नहीं आता है, किस किस को यूएफआई चलाना नहीं आता, आप सबको नहीं आता है। अच्छा देखो आपका सबसे बड़ा ये होगा कि सर हमको तो यूएफआई नहीं आता है तो हम सोच रहे पहले सीख लें और फिर खरीद लें, ऐसा दिमाग में पॉइंट आता है ना कि सीख लें और फिर खरीद लें, तो सर इसमें क्या घाटा होगा सर, क्या है? इसमें ये होगा कि अगर हमारे पास प्रॉपर टूल्स नहीं रहेगा तो हम रात में क्या करेंगे उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे सर, हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूलते जाएंगे, जो सीखेंगे दिन में वो रात में भूलेंगे, हर चीज कॉपी में उतारना सही नहीं होगा, थोड़ा हमें हाथ में खुद को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। और जैसे कि कोई सर होते हैं जो केवल एक ही यूएफआई से पूरी क्लास पढ़ा देते हैं तो उनका आउटपुट क्या होता है सर, उनका ऐसा होता है कि सर वहाँ तो सीख लेते हैं, वहाँ पे सब मालूम होता है, जैसे ही घर पहुँचते हैं ना तो सब ब्लैंक हो जाता है, 10 दिन लगते हैं कम से कम खरीदने में, क्योंकि सर ऐसा होता है कि हम यूएफआई का सीख लेते हैं घर जाने के बाद 1-2 महीने के बाद खरीदते हैं, और 1-2 महीने के बाद जब भी खरीदते हैं तो सारा चीज दिमाग से आउट हो जाता है, तो हम ऐसे बोलते हैं सर हम कुछ नहीं सीखे हैं, कुछ नहीं करते। बताइए टूल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये जो उन्होंने स्कीमेटिक खरीदा थोड़ा यहाँ ये फिरोज सर, बिल्कुल बहुत जरूरी है सर, स्कीमेटिक के बगैर ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि स्कीमेटिक आपको होना चाहिए, क्योंकि नए नए मोबाइल आते हैं, नई सर्किट आती है, नई नई आईसीओ की डिटेलिंग आती है, तो मोबाइल जो बनता है हार्डवेयर में प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसी खाली बदलने और सेक्शन बनाने ही, तो हमको ट्रेसिंग और लाइनों की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अभी आपने कल ही बनाया ओप्पो A7 के मोबाइल में ना, आपने देखा कि उसमें 12 बॉल का आईसी लगा था और उसमें आपने हटाकर कितने लैग का आईसी लगाया, तो वो एक सर्किट के नॉलेज की वजह से लगाया कि वो हमने आईस करियर लगाया, नॉलेज नहीं रही तो सर वो हम लगा नहीं सकते उसको, फिर वो शॉर्ट हो जाएगा, डेड हो जाएगा मोबाइल। यहाँ पर अभी हमारे यहाँ दोस्तों सॉफ्टवेयर की क्लास भी चलने वाली है, सर बताएं कितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सॉफ्टवेयर के लिए यूएमटी परचेस, यूएमटी लेना है या रख कर लाना है जो भी है, बताइए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे जो भी क्लास चलती है सेक्शन वाइज चलती है, यहाँ पे कोई ब्रांड वाइज नहीं चलता है, यूएमटी है सारे सीपीयू को डिटेक्ट करता है, तो वो जो इंटरफेस आपको बताया जाएगा अगर आप उस इंटरफेस को रूम पे जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको टैब भूल जाएंगे दिमाग में, कहाँ पे फॉरगेट आना है, रीड इन्फो करना है, राइट करना है, रीड करना है, वो सारी टैब बहुत बड़ा टैब है, तो हर एक का एक इंटरफेस नहीं है, अपडेट होगा तो आप प्रैक्टिकली नहीं चलाएंगे तो भूल जाएंगे और नहीं सीख पाएंगे तो इसलिए। अच्छा ये सारे टूल्स क्या हम बेच रहे हैं क्या? क्या हमने आपको सेल किया क्या? No, नहीं, ये टूल आप अपने मार्केट से ही परचेस कर रहे हैं, सिर्फ हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये टूल आप परचेस करके लाए, तो ये अगर आप सही आप हमारा जो डिसीजन था वो सही है कि गलत है बताइए, कौन इसमें कहना चाहेगा कि अगर मान लो उसके बाद टूल नहीं होते बताओ करे बताइए, अगर आपके पास में सर्किट डायग्राम नहीं होता, हम सिर्फ यहाँ सिखाते, या आपके पास अभी यूएफआई नहीं होता, बाद में आप यूएफआई की क्लास अटेंड करते तो सर को तो देखते रहते पर आप कुछ सीख पाते बताइए? नहीं सर, उस टाइम से समझ आता फिर बाद में सब भूल जाते सर। बाद में सब भूल जाते फिर जब आप तब तक खरीदते तब तक आधा कोर्स दिमाग से उड़ जाता, फिर आप लिखे हुए नोट्स को कितना पढ़ पाते, समझ में आ रहा है क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की टीचिंग कैसी लगी बताइए आपको? बहुत अच्छा सर, मतलब कुछ एक अगर कोई चीज बताया जाए उसे ना समझ में आए तो पूछने से ऐसा नहीं कि फिर दोबारा डाटा जाता है या फिर नहीं बताया जाता, उसको 10 बार भी बताया जाता है जब तक ना समझ आए। ये 10 दिन का कोर्स होता खाली, तो देखो 10 दिन का कोर्स होता हमने 12 से 12 घंटे दिए, 8 से 8 बजे तक, अब 10 दिन के कोर्स में कितना आप सोचो कितना सिलेबस इंस्टीट्यूट वाले कम करके चलते हैं, आप देखो हमने कितना सारा सिलेबस आपको अभी पढ़ाया, तो सिलेबस की बात करेंगे तो हम अपना नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ आने वाले लोग ही देखे खाली, हमने कितना सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया, तो उसके बाद भी 10 दिन अभी हमारे कवर हुए हैं और अभी हमारे पास में पूरा 15 दिन बाकी हैं क्योंकि 25 तारीख का आपका फेयरवेल है, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे थैंक यू वेरी मच। कौन है यहाँ पे जो फ्रेशर था, बिल्कुल 0 से हीरो बना जो फ्रेशर, बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नितेश कुमार सिंह है। नितेश कुमार सिंह, ये बताओ फ्रेशर थे बिल्कुल आप, क्या काम करते थे? जी मैं सर 10-15 दिन पहले से सॉफ्टवेयर थोड़ा कर रहा, मतलब 10-15 दिन पहले ही आपने काम चालू किया, इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले सर मैं वैसे सेल सेल्स मतलब दूसरे बिजनेस में थे। ये बिजनेस में कैसे आए, क्या आपको लेके आया कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग में आऊं और मैंने सोचा कि यार मोबाइल रिपेयरिंग में आके कुछ मेरे को ग्रोथ मिलेगी या क्या है बताओ, कौन ने लेके आया आपको? मेरी रुचि थी थोड़ी बहुत फोन में जी सर, तो इसलिए आप यहाँ पर आए। तो अभी आपने जब ये ज्वाइन किया तो आपको क्यों लगा कि मुझे सीखना चाहिए, क्यों आपको ये नहीं लगा कि ऑनलाइन सीख लूं, या क्यों ऐसा नहीं लगा कि यार यूट्यूब तो सिखा ही रहा है, या क्यों ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई अपने लोकल के इंस्टीट्यूट में चले जाऊं, ये क्यों आए? इधर इसलिए आए क्योंकि मैं वीडियो जो रात को जो है काम करता था जैसी बात है और शाम को आता था, मैं यूट्यूब ज्यादा चलाता हूँ
तो उस पे जो मैं सर सबकी वीडियो देखता रहता हूँ और रिपेयरिंग के रिलेटेड भी वीडियो देखता हूँ। सबसे ज्यादा वीडियो मैंने आपकी देख रखी है। मैंने जो है 2 साल पहले भी आपको कॉल किया हुआ था, उस टाइम में मुझे धुन था iCloud का, iCloud निकालने का। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर आपने शुरुआत की थी, बिल्कुल। फिर आगे बताइए। फिर सर मैं आपसे बात हुई, फिर उस टाइम में सर कुछ हो नहीं पाया, तो फिर सर घर वाले बोल रहे थे इतना दूर जाना है, जाओगे कैसे, रहोगे नहीं रहोगे। आते समय सर मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, चोट लगी, देखिए जैसे कि दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन मैंने बोला अब जो मैं अगले महीने जाऊंगा फिर और ज्यादा ढिलाई होगी। मैंने बोला चोट ही लगा हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे जाना है तो जाना है। फिर घर वाले भी सोच लिए, जो ये मान नहीं रहा है, जाना ही चाहता है। तो मतलब आपके अंदर एक जुनून पैदा हो गया, आपको सोच में आ गया कि यार मुझे ये चाहिए, एक बार जाके देखूंगा तब जाके मेरे मन की निकलेगी। अब ये बताओ, अब आपके घर वालों से बात होती है तो क्या बोलते हैं कि भैया कैसा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर तुमने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया, बताइए। जी सर, एक बार मैंने बात की थी, वो समझ में कैसा आ रहा है, मैंने बोला जो मैं जो मेरी नॉलेज थी उससे भी इतना ऊपर का वो सिखा रहे, जो मैंने आज तक सोचा भी नहीं था, जो इतने सारे काम जो अब आपने पावर निकाल के चालू किया है साइड, तो ये सब करने के बाद में कैसी फीलिंग आई बताओ, या मैंने ये भी कर लिया, कभी सोचा नहीं था कि हार्डवेयर भी करूं। बहुत मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे अपनी लाइफ में जो सॉफ्टवेयर करते 3-4 साल 10 साल तक सॉफ्टवेयर करते रहते हैं, हार्डवेयर क्यों नहीं छूटे, क्योंकि उनको आईसीयू का कोई भी नॉलेज नहीं है, और सिर्फ डर के वजह से नहीं छूटे हैं कि मेरा कस्टमर का साइड डेड ना हो जाए, ज्यादा हीट देने या कुछ भी करने की वजह से। अब आपने आप डेड करोगे क्या कस्टमर का साइड? नहीं करोगे। थैंक यू वेरी मच, इनके जोरदार ताली बजाइए बात। और कौन है स्टूडेंट यहाँ पर, वो अब ये बताओ कि कौन यहाँ पर जो 12 साल 10 साल का एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे, हाथ उठाइए जो एक्सपीरियंस लेके आया था, 8 साल 6 साल जो एक्सपीरियंस है, आइए बताइए क्या एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे, कितना एक्सपीरियंस काम में आया ये बताइए, और फ्रेशर के हिसाब से आपका क्या यहाँ पे आपने अपने आपको नोटिस किया बताओ। मैं 10 साल से दुकान कर रहा था, लेकिन मुझे उतना नॉलेज नहीं था, सिर्फ कनेक्टर पिन स्पीकर माइक वगैरह फोल्डर वगैरह डालने का ही काम करता था, मुझे कुछ अपना आईसीयू वगैरह लेवल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सर मुझे सीखना था, तो इसके वजह से। कौन कौन से काम आप नहीं कर पाते थे? मैं आईसी का काम कोई भी नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, मतलब जैसे आईसी शॉर्ट हो गई, लीकेज हो गए, निकालना लगाना बिल्कुल नहीं, फॉल फाइटिंग भी नहीं कर पाते थे, मतलब जैसे अभी रिंगर नहीं वर्क कर रहा है तो सिर्फ रिंगर बदल दिया, उसके बाद क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, कॉम्पिटेंट की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी यहाँ पर, आईसीयू की नॉलेज नहीं थी। आईसीयू की नॉलेज तो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, अब जाके काम करेंगे तो क्या है आपके दिमाग में, कितना पॉजिटिव है? जब मैं आईसीयू टेलीकॉम में आया तो मुझे अच्छा खासा आईसीयू की नॉलेज हो गए, मैं पावर आईसी सीपीओ और अपना एमएमसी आईसी निकाल के मैं सेट चालू कर चुका हूँ सर। चालू कर चुके हैं, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस आया, एक बार किए कि 2-3 बार किए? 10-12 बार क्यों किए हैं? यहाँ पे हमने सिर्फ एक बार भी तो करवा के भेज सकते थे, क्योंकि 10 दिन के कोर्स में जनरली यही होता है, सिर्फ एक बार करवा के आपको उतरवा के बोल दिया जाता है, देखो हो गई, आप जाके प्रैक्टिस करो। पर यहाँ पे हम 10 बार क्यों करवा रहे हैं, रीजन क्या है बताइए सर, कि इसमें परफेक्ट हो जाए, डर निकल जाए हमारा, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे हैं हमारे, जो हमने 2-3 बार जिनको पुराने टाइम पे करवाया होगा, और उसके बाद में उन्होंने घर जाके बोले सर पीसीबी मेरी फूल रही है, स्टेंसिल फूल रही है, क्यों प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहां से जाने के बाद में मैं सच बता रहा हूं, आधे 10 दिन तक बोले सर मेरी दुकान बन रही है, सर मेरा अभी माल आने को रेडी है, सर 10 दिन तक मेरे पास स्टेंसिल नहीं है, और 10 दिन तक कोई काम नहीं करते, और तब तक वो क्या हो जाते हैं, तब तक भूल जाते हैं। तो ये बताओ कि आपके पास में स्कीमेटिक या यूएफआई लेकर बैठे यहाँ पर, जबकि आपको कुछ नहीं आता, सोचिए। थैंक यू, आपका नाम क्या है? अविनाश गुप्ता। के अविनाश के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो हो गया है लगभग बहुत ज्यादा लंबा, ये सिर्फ हमारा एक आउटपुट वीडियो है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट को हम सिखाते हैं हर दिन एक उनका एक सिलेबस तय होता है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?